हर साल कार्तिक महीने में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है, जो छोटी दिवाली से एक दिन पहले आता है। आपको बता दें, इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और यह दिन एक शुभ दिन माना जाता है। सोना चांदी के आभूषण और बर्तन जैसी चीज़ें खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। और आपको बता दें, इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको खरीदना बिल्कुल अशुभ होता है। तो आइए इस वीडियो में हम बताते हैं आपको कि कौन सी चीज़ें खरीदने के लिए शुभ होती है और कौन सी चीज़ें अशुभ होती है। आपको बता दें, इस साल धनतेरस 13 नवंबर यानी शुक्रवार को पड़ा है, तो इस दिन आपको कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए, आइए हम आपको उन सब के बारे में बताते हैं। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था, और भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। और खास तौर से इस दिन कलश खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, और इस दिन कलश खरीदने से आपकी कमाई में 13 गुना की वृद्धि होती है। साबुत धनिया खरीदें। ऐसा भी कहा जाता है कि धनतेरस पर पीली वस्तुएं खरीदना चाहिए, जैसे सोना, पीतल के बर्तन या धनिया। साबुत धनिया खरीदना चाहिए, मान्यता है कि इसे तिजोरी में रख देना चाहिए, और फिर दिवाली के बाद इन बीजों को बाग बगीचे या खेतों में बो सकते हैं। और माना जाता है कि साबुत धनिया से जब हरा भरा पौधा निकलता है तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम होती है। झाड़ू खरीदने की परंपरा। इस दिन झाड़ू खरीदने की भी अनोखी परंपरा है। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और वहीं पर बृहद संहिता में झाड़ू को सुख शांति की वृद्धि करने वाली और दुष्ट शक्तियों को सर्वनाश करने वाली बताया गया है। आपको बता दें, झाड़ू को घर में दरिद्रता को हटाने का कारक बताया गया है, और इसके इस्तेमाल से मनुष्य की दरिद्रता भी दूर होती है। साथ ही इस दिन घर में नई झाड़ू से झाड़ू लगाने पर आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। सोने चांदी के सिक्के खरीदना होता है शुभ। आपको बता दें, इस दिन धनतेरस पर सोने या चांदी के सिक्के खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा चांदी के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदे जाने वाले गहने, सिक्के, बर्तन की भी दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी पूजन के दौरान पूजा करना चाहिए, और कहते हैं कि ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित करना शुभ होता है। कहते हैं कि दिवाली के पहले धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाना भी शुभ होता है। कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। कहते हैं कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना चाहिए, और ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ वैभव आता है। और श्री यंत्र को घर या दुकान की तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। और ऐसी भी मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको खरीदने से आप पूरी तरह से कंगाल और दरिद्र हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसे धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे से बने वस्तुओं की खरीदारी ना करें। धनतेरस के दिन लोहे से बने सामानों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसके कई कारण हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे प्रमुख है वो यह है कि इस दिन लोहे से बने वस्तुओं को खरीदने पर घर परिवार में राहु की अशुभ छाया पड़ने लगती है। और चूँकि आप जानते हैं कि राहु कष्ट देने वाले ग्रह हैं, तो इसलिए लोहे के सामान खरीदने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती है। धनतेरस के दिन शीशे से बने सामान को भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी लोक मान्यता है कि शीशे का भी संबंध राहु से होता है, और शीशे का सामान खरीदने पर राहु की दृष्टि हमेशा बनी रहती है, जिसके चलते लोग परेशान रह सकते हैं। स्टील का बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए। आमतौर पर लोग धनतेरस के दिन खरीदारी करने के नाम पर बाजार में जाकर बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं। स्टील भी लोहा का बदला हुआ रूप होता है, इसलिए स्टील से निर्मित वस्तुओं को खरीदारी करने पर राहु की छाया पूरे साल भर तक पड़ती रहती है। इसलिए स्टील खरीदने की बजाय आप तांबे या कांसे का बर्तन खरीद सकते हैं। धनतेरस सबसे शुभ दिन माना जाता है, और इस दिन घर पर काले रंग की चीज़ों को लाने से बचना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन काले वस्तुओं को खरीद कर लाते हैं तो आपको सालों भर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट में, धारदार चीज़ें भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आप खरीदारी करने निकले हैं तो चाकू, कैंची और दूसरे धार वाले हथियारों को खरीदने से भी बचना चाहिए। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। धन्यवाद।